सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सिंह साहब, मुझे ये ज्वेलरी चाहिए होगी तो मैं खुद खरीद लूंगी। मुझे आपसे वो चाहिए जो आप 20 साल में आज तक नहीं दे पाए। मुझे बेटा चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए। सुनैना जी, हमारी तीन प्यारी प्यारी बेटियां हैं, ये क्या किसी बेटों से कम है? फिर भी पता नहीं क्यों पिछले कुछ महीनों से आप ये बिना मतलब की जिद लिए बैठे। तीन तीन बेटियों के पिता होने पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन मैं तभी खुश होंगी जब तक कि मैं एक बेटे की माँ नहीं बन जाऊँ। आपके घर वालों के सवाल, उनकी उल्टी सीधी बातें सब मुझे सुननी पड़ती है, आपको नहीं। अगर बेटा नहीं तो ये ज्वेलरी किस काम की? नहीं चाहिए मुझे। वाह, बनाने वाले के हाथों में भी क्या हुनर होगा। 9 लाख लगता है, आपकी हर कमी को तो ये 9 लाख पूरी नहीं कर सकता। क्यों है ना सुनैना जी, आपको जिस खुशी की तलाश है वो इस 9 लाख से बहुत ज्यादा कीमती है ना सुनैना जी। अरे सॉरी, मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया। मैं इंदर, योगा इंस्ट्रक्टर, आनंद आश्रम योगा इंस्टीट्यूट से। ये रही आपकी अमानत। नमस्ते। आप चलिए मेरे साथ। सुनैना जी, जो आश्रम मैं आपको सिखा रहा हूं उसे भुजंग आसन कहते हैं। ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभदायक है। जैसा मैं कर रहा हूँ आप मुझे फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपने पेट के बल पर लेट जाइए, अपने हाथों का सपोर्ट लेकर सांसों को अंदर लीजिए और मौसम का मजा लेकर धीरे धीरे छोड़िए। अरे सुनैना जी, अपने पैर को फैलाइए मत, सीधे और जॉइंट रखिए। मेरे पैर देखिए कैसे सीधे हैं और जॉइंट है, देखिए। अरे ये क्या किया आपने? पोर्ट मेरे हस्बैंड मेरे एनिवर्सरी पर लेकर आए थे, अब उठाइए उसे। सॉरी सॉरी, मैं सीधा कर देता, गलती से पैर लग गए मेरे, थोड़ा दूर रख देता ताकि पैर दोबारा ना लगे। हाँ सुशांत, आप कैरी ऑन कीजिए। हाँ बेफिक्र रहो, मैंने पैसे भेज दिए फीस के लिए। यू, गगन, हरी, सोनू, तुम सब मिलकर एग्जाम की तैयारी करो। ओके बाय, टेक केयर। सोनू, हरी, सुशांत, ये सब कौन है? हम लोग 5 भाई है। अरे आप इतनी हैरानी से क्या देख रही है? मेरे पिताजी भी 8 भाइयों में से एक हैं। मेरी फैमिली में लड़के ही लड़के, मेरा मतलब है सुनैना जी, हमारे वंश में सबके पास वंश बढ़ाने का हुनर है। हम लोग की फैमिली शास्त्रों के हिसाब से चलती है। मेरी दादी ना बहुत नियमों के पालन करने वाली है, अपने सारे बहू और बेटों को शास्त्रों के हिसाब से गर्भ धारण करने की सलाह देती है। मेरा मतलब कंसल्टेशन, हम सब योग, वेद, आयुर्वेद, शास्त्र से जुड़े लोग हैं। तब तो तुम बहुत कुछ जानते होंगे, क्या तुम्हें बेटा पाने का उपाय पता है? देखिए मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन घर जाकर जरूर देखूंगा कि मेरी दादी की पोटली में पुत्र योग का कौन सा खजाना छुपा हुआ। प्लीज मेरे लिए इतना सा कर दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी।
सुनैना जी, बेटा पाने का उपाय क्या चीज है? आप चाहे तो आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भी सेम इसके जैसे ड्रेस चाहिए। मेरे आदमी बहुत, अरे मैं यही पहनूंगी। क्या हो गया तुम्हें? बहुत ड्रेसेस दी थी ना, इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? मम्मा मुझे भी सेम इसके जैसे ड्रेस चाहिए। मम्मी मेरे कितने ड्रेस ले चुकी है। अरे चुप करो, हर वक्त लड़ाई झगड़े के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं आता? तुम्हें अगर चाहिए तो जाकर अपने पापा से मांगो, उन्हीं की लाड़ली हो ना। जाओ यहाँ से। मम्मा मैं अनिकेत भैया की बर्थडे पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूं? ओ, जो भी पहनना है वो पहनो, लेकिन मुझसे मत पूछो। सबकी तीनों बहनें घर पे होती है, हमेशा परेशान करती रहती है। जाओ यहाँ से, अभी मुझे शांति चाहिए। पकड़ो इसे। गायत्री, प्रीति, प्रिया, बेटे तुम लोग आ जाओ यहाँ मेरे पास। ये जगह ठीक है, यहाँ कोई आएगा भी नहीं। अब मैं आपको सब समझाता हूँ। ये देखिए, दादी के पास से मैं क्या लेकर आया। ये पुत्र प्राप्ति का उपाय किसी भी दिन नहीं किया जा सकता। इसे आपको अश्विन महीने में कोजागिरी पूर्णिमा के दिन गर्भ धारण करना होगा। तब तक आप इस पवित्र मंत्र का मन से 1001 बार जाप कीजिए। ये देखिए, अनोखे पेड़ की छाल से बना चूर्ण। इस चूर्ण को दूध के साथ 1 चम्मच रोज आपको अपने पति को देना होगा। लेकिन अश्विन में तो अभी 6 महीने बाकी है। सुनैना जी, सब्र रखिए। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, योगा कीजिए, अच्छा खाना पीना खाइए, अच्छे माहौल में रहिए और इस मंत्र का मन से जाप कीजिए। फिर देखिए कैसे नन्ना मुन्ना सा बच्चा आपकी गोद में खिलखिलाएगा। हे लड्डू गोपाल, मेरे भी गोद में आपके जैसा एक बेटा दे दो। मुझे एक बेटे का सुख दे दो भगवान। मम्मा, मम्मा गेट खोलिए ना। मम्मी हमें देर हो रही है। मम्मी हम निकल रहे हैं 5 मिनट में हॉस्टल के लिए। मम्मा हमसे मिल तो लो। गायत्री, प्रीति, प्रिया, चलो बेटा। पापा देखो ना, मम्मा दरवाजा नहीं खोल रही। कोई नहीं बेटा, मम्मी बिजी है आज। चलो हम लोग चलते हैं। पापा इस बार मम्मी बहुत परेशान है ना, इसलिए तो हमसे मिलने भी नहीं आई। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, होता रहता है ऐसा सब कुछ। कुछ दिनों में मम्मी का मूड ठीक हो जाएगा। चलो अभी हम लोग निकलते हैं। ये लीजिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए चूर्ण इंदर खास हमारे लिए लेकर आया है। क्या तुम ऐसी फालतू की चीजों पर विश्वास करने लगी हो? पुत्र संतान प्राप्ति के लिए चूर्ण? अरे हमारी बेटियां बड़ी हो गई है, ये कोई उम्र है फिर से बच्चा पैदा करने की? आपको नहीं होगी, लेकिन हमें सिर्फ अपने बिजनेस और परिवार के भविष्य की चिंता है। मुझे भी चिंता है अपने भविष्य की, इसीलिए बोल रही हूँ। कल को बेटियां शादी करके चली गई तो मैं अपना बुढ़ापा किसके सहारे काटूंगी? और आपके घर वाले, वो तो पैसों के लिए हमें नोच खाएंगे। आपको तो अपने परिवार की हरकतें पता है, फिर भी 20 साल की शादी और 3 बेटियों के बाद सिर्फ आपकी जिद के कारण हमारा परिवार टूट के बिखर जाएगा।
मैं देख रहा हूँ जिस दिन से इंदर ने आपके जीने के तरीके बदले, आपका पूरा व्यवहार ही बदल गया। यहाँ तक कि अब आपको अपनी बेटियों की चिंता भी नहीं है। हॉस्टल जाने के वक्त अपनी बेटियां कितनी परेशान थी आपसे मिलने के लिए, पर आपको इन ढकोसलों से फुर्सत मिले तब तो आप बाहर आती। ढकोसले? मेरी पूजा को ढकोसलों का नाम देकर अपनी कमजोरी मत छुपाओ। हर कोई जानता है बेटी होगी या बेटा इसे पिता पर निर्भर करता है, तो जरूर आप में ही कोई कमी होगी जिसकी वजह से मैं इतने साल तक एक बेटे की माँ नहीं बन पाई। सुनैना, आप कोष में तो हो, ये आप क्या कह रही है? 20 साल हो चुके हैं हमारी शादी को और आज आज आपको हमारे अंदर कमियां नजर आने लगी। अब तक 20 साल जो नहीं कह पाई वो आज कह रही हूँ। कब तक चुप रहूंगी? मेरे चुप रहने की भी एक सीमा है। या तो आप आज ये दूध पिएंगे या फिर आप मानेंगे कि सच में आप में ही कोई कमी होगी। दीजिए। बेटा हो या बेटी दोनों बराबर है, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोगों को आज भी ये लगता है कि बेटे से ही वंश चलेगा, बेटा ही वारिस बनेगा। जबकि हमारे आसपास ऐसी कितनी मिसालें हैं जहां बेटियां बेटों से ज्यादा बढ़कर माँ बाप का नाम रोशन कर रही है, बुढ़ापे में उनका सहारा बन रही है, और कुछ केसेस में बेटों ने माँ बाप के प्रति अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया, लेकिन बेटियों ने माँ बाप की जिम्मेदारी उठाई। नमस्कार, मैं गिरीश जैन, स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड। इस कहानी में सुनैना इसी सभ्य समाज के दोगले रूप से आहत होकर एक बेटे के लिए पागल थी। बेटा पाने की हसरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, और जिसका अंदाजा इंदर जैसे शातिर आदमी को अच्छी तरह से हो चुका था। चलिए सुनैना जी, अब आप सेम चीज रिपीट कीजिए। वेरी गुड, ध्यान दीजिए, अब धीरे धीरे उठिए। हाथ सीधा कीजिए सुनैना जी, और अपनी बैक को आज कीजिए। सुनैना जी, हाथों को हमेशा अंदर की तरफ सीधा रखिए, फॉर्म रखिए वो हाथ भी। गुड, breathe in, breathe out। सुनैना जी आप मेरी बातों को ध्यान से सुन नहीं रही है। मैं जितना हो सकता है उतना ध्यान दे रही हूँ, लेकिन तेज वो तो मेरा साथ ही नहीं दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, अगर वो जड़ी बूटी नहीं लेंगे तो मैं बेटे की माँ कैसे बनूंगी? देखिए सुनैना जी, आप ये परेशानी सूट नहीं करती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, आप बस ध्यान दीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए आंख बंद कीजिए और ध्यान दीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कांटे को निकाल कर फेंक दीजिए। क्या तुम ऐसी फालतू की चीजों पर विश्वास करने लगी हो? मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे। तो हिम्मत कीजिए और छोड़ दीजिए उसे जो आपका साथ नहीं दे रहा है।
सोचिए सुनैना जी, आप आत्मनिर्भर हैं। जमीन जायदाद क्या कुछ नहीं है आपके पास? ऐसा क्या कुछ है जो आप नहीं कर सकते? सुनैना जी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कौन है जो आपका साथ दे सकता है, आपकी गोद भर सकता है, आपको एक प्यारा सा बच्चा दे सकता है। मेरी फैमिली में लड़के ही लड़के, हमारे वंश में सबके पास वंश बढ़ाने का हुनर है। सुनैना जी बेटा पाने का उपाय क्या चीज है? आप चाहे तो आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे दिशा मिल गई। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। या तो आप मेरी बात मानेंगे या फिर आपको मुझे तलाक देना होगा। क्या कहा? तलाक? क्या मजाक लगा रखा है? सुनैना, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया? अपना घर परिवार छोड़ा, घर जमाई बना ताकि आप खुश रह सके, पर अब 20 सालों के बाद आपको मुझसे तलाक चाहिए? हमारा साथ इतना कच्चा निकला कि कुछ महीने पहले मिले एक शातिर आदमी की बातों में आकर आप मुझसे तलाक ले ले। अब आप बहुत ही घटिया सोच रहे हैं तेज। आपको क्या लगता है मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? ये सब कुछ मेरा है, शायद आप भूल रहे हैं। मैं अब अपनी जिंदगी के आने वाले साल ऐसे नाउम्मीदी में नहीं गुजार सकती, क्योंकि जो मुझे चाहिए ना वो आप मुझे कभी दे ही नहीं सकते। तो फिर ठीक है, आप अपने होने वाले बेटे के सपने बुनिए और मैं अपनी बेटियों को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। वो मेरी भी बेटियां हैं, आप उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। हाँ गायत्री बेटा, मैं बात करूंगी मेरी बेटियों से। सुन रहे हैं आप, मैं भी अपनी बेटियों से बातें करूंगी। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? नहीं रहना अब हम लोगों को यहाँ तुम्हारे साथ, जा रहे हम लोग यहाँ से। लेकिन मेरी बेटियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? प्रीति प्रिया गायत्री तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। बच्चों का तो नाम भी नहीं लेना तुम, नहीं रहेंगे अभी बच्चे यहाँ तुम्हारे साथ, मेरे साथ रहेंगे अभी। तुम रहो यहाँ अपने होने वाले बेटे के साथ। पर मम्मी आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हम सब कितने खुश थे एक साथ, और अब मम्मी अगर आपको एक बेटा ही चाहिए था तो हमारे लिए एक भाई गोद ले लेती, हम खुशी खुशी मान जाते। हाँ मम्मा, आपने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? हम सब आपको और पापा को बहुत प्यार करते और आपको साथ देखना चाहते, अलग अलग नहीं। तो फिर तुम सब क्यों जा रहे हो? अभी तो तुम तीनों की माँ हो, प्लीज मत जाओ। पर मम्मी, पापा से डाइवोर्स लेने का फैसला वो तो सिर्फ आप ही का था ना, आपने तो हम लोगों से पूछा भी नहीं। बस यही इम्पोर्टेंस है ना हमारी आपकी लाइफ में। बेटा मैं बात करने वाली थी, ट्रस्ट मी। नहीं मम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। चलो बच्चों, अब यहाँ और देर रुकने का कोई फायदा नहीं। गायत्री प्रिया तेज मत जाओ। ओहो, नए शूज, गॉगल्स, घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, वाह! कल तक जो आदमी फटे हुए जूते में घूमता था आज वो सब कुछ ब्रांडेड पहनने लगा। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने। तुम भी तो पूरा घर बटोर कर लेकर जा रहे हो, लगेज ही लगेज। सुनैना जी के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह से बात करने की? मैं तुम्हारी तरह कोई रास्ते का भिखारी नहीं था। मैं यहां से ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके जाऊंगा जिस पर मेरा हक नहीं है। सुनैना, तुम कुछ बोलोगी या तुम भी अभी ऐसे ही सोचने लगी हो? तो ठीक है, पापा ये मेरा है। कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को हाथ लगाने की।
मैं तुम्हारे लिए ऐसी हजार चीजें खरीद सकता हूं। देखा कितना भरोसेमंद निकला तुम्हारा ये भगवान का भेजा हुआ दूध, और तुम जिंदगी भर के लिए इस आदमी पे भरोसा करने जा रही थी। मुझे तरस आता है तुम पर सुनैना। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और खबरदार खबरदार जो मेरी बेटियों को कभी मेरे खिलाफ भड़काया तो उन पर मेरा भी पूरा हक है। हाँ हाँ हक है, लेकिन जब तुम्हें अपने होने वाले बेटे से फुर्सत मिल जाए तब बोल देना, खुद ही लाके छोड़ जाऊंगा इन लोगों को यहाँ। तुम्हारी मर्जी की वजह से तुम्हारी बेटियां घर छोड़कर जा रही है। सुनैना जी कभी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियां घर छोड़कर जाए। चुप करो तुम, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया, पूरा परिवार बिखेर के रख दिया, मासूम बच्चों को अपनी माँ से अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया। मुझे क्यों दोष दे रहे हो, तुम खुद सुनैना जी को खुश नहीं रख सके इसलिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था अलग होने के सिवा। तुम सुनैना के बारे में मुझे मत सिखाओ, पूरे दो दशक बिताए मैंने उसके साथ, मैं उसको तुमसे अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें क्या पता उसके बारे में। सिर्फ दो महीने पहले ही तो मिले हो तुम इसको, और तुम होते कौन हो हम लोगों के रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने वाले। बहुत हो गया, चलो निकलो यहाँ से। निकलो, चलो बच्चे लोग यहां से। सब ठीक हो जाएगा। साइन करेंगे। आप लोग यहां विटनेस में साइन करेंगे। मुबारक हो, आज से आप दोनों पति पत्नी होंगे। थैंक यू। मैंने जरा सा ध्यान क्या नहीं दिया, शर्मा जी ने एक भी टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं समझी। लापरवाही की भी हद होती है, ये देखो कितने सारे नोटिसेस आए हैं। पूरे 25 लाख के टैक्स की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। 25 लाख? तुम चिंता मत करो, तुम आराम से हमारे होने वाले बेटे की माँ बनने की तैयारी करो, पूरी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप। मैं आपसे तुम्हारा और तुम्हारे बिजनेस का ख्याल रखूंगा। मैडम एक बार आप फिर से सोच लीजिए, क्या आप अपने सारे प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर इंदर को देना चाहती हैं? जी हाँ, मैं अभी स्ट्रेस नहीं ले सकती, और वैसे भी मेरे पास कुछ इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फोकस करने के लिए। ठीक है, प्लीज मैम साइन प्लीज। इंदर ये सब क्या है, तुमने मेरी जरूरत के सामान के लिए पैसे देने से कैसे मना किया? ऐसा कुछ नहीं है सुनैना, टैक्स की पेनल्टी भरनी है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, मैं तो सिर्फ पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, प्लीज मुझ पर विश्वास करो। आज जहां देश में महिलाएं इतनी तरक्की कर चुकी है, हर दिशा में आगे बढ़ रही है, वहां सुनैना का बेटा पाने का सपना पागलपन में बदल गया था। ऐसी मनोदशा में उसने यह भी नहीं सोचा कि वो एक अनजान आदमी पर भरोसा कर अपना सब कुछ दांव पे लगा रही है। धीरे धीरे सुनैना इंदर के चंगुल में बुरी तरह से फंसती जा रही थी, और इंदर उससे खून चूसने वाले कीड़े की तरह चिपका हुआ था, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी और दौलत दोनों को खत्म करता जा रहा था। इंदर, तुमने किससे पूछकर मेरे कार्ड ब्लॉक करवाए? तुम्हें पता है
आज तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दोस्तों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा। खुद कहते हो कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और खुद ही वही काम कर रहे हो जिसकी वजह से मुझे इतना टेंशन हो रहा है। आई थिंक तुम भूल गए हो कि हम दोनों साथ किस लिए आए थे। सुनैना, तुम फालतू में परेशान हो जाती। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि ऑडिट चल रहा है और पैसे भी ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि खर्चे का हिसाब जो चल रहा है। हेलो हेलो मैडम, मैं आयुष चाइल्ड वेलफेयर से बोल रही हूँ। आपने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गए हैं। क्या? ठीक है, कल मैं सब कुछ ऑन पेपर देखना चाहती हूँ। आखिर मुझे भी तो पता चले कि चल क्या रहा है। कल मुझे अकाउंट के सारे डिटेल्स चाहिए, समझे? बैठिए। थैंक यू। आप बताइए। देखिए, बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला, दोनों तरफ से खुला खुला, पीछे की तरफ तो गार्डन और स्विमिंग पूल भी है, चारों तरफ हरियाली भी है। इतना बड़ा और खूबसूरत बंगला मैं 60 करोड़ से कम में नहीं बेच सकता। ये तो ठीक है इंदर जी, लेकिन हमें पता चला है कि ये बंगला सुनैना जी के नाम पे है और जब तक सुनैना जी पेपर पर साइन नहीं करेंगी तब तक हम पैसे नहीं देंगे। देखिए, सुनैना जी मेरी पत्नी है और साइनिंग अथॉरिटी मेरे नाम पर है और मेरा काम एकदम प्योर और ऑथेंटिक है। आप एडवांस दे दीजिए, बंगला आपके नाम कर दूंगा, नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, हम एडवांस लेके आते हैं। चलिए, मैं आपको बंगला दिखा देता हूँ। आप पावर ऑफ अटॉर्नी के सारे राइट्स फिर से मेरे नाम कर दीजिए, अब से सारे मसले मैं ही देखूंगी। इंदर, इंदर, ये सब क्या कर रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो तुम? क्या करूं? जब तुम्हें मुझ पर भरोसा है नहीं, तो मेरे यहाँ रुकने का मतलब ही क्या है? मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता था, ताकि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को सच कर सको, एक बेटे की माँ बन सको। अश्विन पूर्णिमा को कुछ ही दिन रह गए हैं। ये देखो, मैंने अश्विन पूर्णिमा की तैयारी भी कर ली है। हम माता पिता कभी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। नहीं इंदर, इंदर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। इंदर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इंदर, मैंने तुम्हारी वजह से अपने पति को छोड़ा, अपनी बेटियों को छोड़ा, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। बुद्धन। जी मैम साहब। इधर आना। ये क्या चल रहा है वहाँ पर? मैम साहब, वो साहब खड्डा खुदवा रहे हैं, वो पानी की टंकी लगवाने के लिए। अच्छा। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, बिल्कुल पूनम के चांद की तरह। चलो जल्दी से पूजा करो, फिर बस तुम, मैं और चांद। वाहा, हाथ जोड़ पर ध्यान दीजिए। पूजा संपन्न हो गई। ये खीर का प्रसाद लीजिए, इसे एक साथ पूरा खत्म कर दीजिए। Yeah.
इंदर, इंदर। इंदर। क्यों नहीं उठा रही है? हेलो हेलो गायत्री बेटा, कैसी है? मैंने मम्मा से बात करने के लिए फोन किया। मम्मा कहाँ हैं? बेटा आपकी मम्मा तो अमेरिका गई है ट्रीटमेंट के लिए। व्हाट? ताकि डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ना। उस हॉस्पिटल का नाम तो होगा जहाँ मम्मा गई है। हाँ हाँ है ना, ट्यूलिप हॉस्पिटल ऑफ मैटरनिटी एंड फर्टिलिटी। थैंक यू। दोस्तों आज की रात जश्न की रात है, इससे नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली है। चीयर्स। म्यूजिक ऑन प्लीज। साहब बहुत खुश लग रहे हैं, लगता है पूजा सफल हो गई, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी रखी है। देख। हाँ यार ये सब तो बड़े बड़े लोग के चोचले। हाँ ऐसे तो हम भी खुश है, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है और पीने को भी। बाय। अरे गायत्री बेटा, व्हाट अ सरप्राइज, कैसी हो? क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी माँ कहाँ है? और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। लगता है कि तुमने हॉस्पिटल में कॉल किया, मुझे पता था कि तुम ऐसा जरूर करोगी। सच तो यह है कि
तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि वो अपने बेटे के पैदा होने से पहले किसी से नहीं मिलना चाहती, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को किसी की नजर लगे। देखो मुझसे जो कहा गया था मैंने वही कहा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। मैम आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं आपको कब से कह रही हूँ कि मुझे पूरा शक है कि मेरी मम्मी की जान खतरे में है। वो हमें रोज फोन करती थी चाहे कितनी भी बिजी हो, वो अपने बच्चों से बात किए बिना नहीं रह सकती हैं। आप प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए। ओके मैडम, वो तो अपनी ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका गई है। उसके मन में पता नहीं कैसे वहम आ गया कि यहाँ रहकर उसको और उसके बच्चे को बुरी नजर लग जाएगी, इसलिए वो किसी को बताना नहीं चाहती कि वो कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। उसने मुझे तक नहीं बताया कि वो कहाँ रुकी है। ओके, वो जैसे ही आती है हमें खबर कीजिए, ठीक है? जी। उस दिन हम इन्वेस्टिगेशन के लिए इंदर के घर पे गए थे, उसका एक नौकर वहां पे नहीं था। क्या नाम था उसका? गंगाराम। हाँ गंगाराम। उससे पूछताछ की, कुछ पता चला? वो भी वही बोलता है मैं जो सब बोलते हैं, विदेश गई हुई है। प्रिया मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा, मम्मी हमें बिना बताए अमेरिका जा सकती है और महीनों से कोई फोन भी नहीं किया। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं लग रहा कि माँ हमें ऐसे भूल सकती हैं, और पुलिस भी कोई हेल्प नहीं कर पा रही। अब तो बस पापा के आने का इंतजार है, जब वो पुलिस पे प्रेशर डालेंगे ना तभी कुछ हो सकता है। ये तो बहुत महंगा है यार होटल। अरे मेरे पैसे का है, पीना। तेरे पैसे का? पर तेरे तनख्वाह तो तनख्वाह से आज नहीं होती। तो फिर ऊपर की कमाई। पुलिस की आंखों में जितना इंदर साहब ने धूल झोंका है ना, उनका चश्मदीद गवाह हूं मैं। अरे धीरे बोल यार, दीवारों के भी खान होते हैं। चुप बैठ। और ये? हाँ। ये भी उसी के पैसे की है। हेलो। तू बोलेगा? मैडम मुझे कुछ भी नहीं पता। मैडम नहीं ठीक है सब, मैं बताता हूँ। मैम उस दिन पूर्णिमा की रात थी और साहब ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पूजा में कोई विघ्न पड़े। लेकिन मेरा फोन गलती से घर में छूट गया था और जब मैं फोन लेने के लिए घर पहुंचा तो मैंने देखा कि साहब मेम साहब को कारपेट में लपेट कर बगीचे की तरफ लेकर जा रहे थे। अंडरग्राउंड पानी की टंकी के लिए साहब ने कुछ दिन पहले ही गड्ढा खुदवाया था, उसी में एक ताबूत था। वो ताबूत मैं ही फर्नीचर शॉप से मंगवा कर लाया था। साहब बोल रहे थे कि कोई मूर्ति भेजनी है कहीं, उसी ताबूत में उन्होंने मेम साहब को डाला और उनके खास गुलाब के पेड़ से फूल की पंखुड़ियां तोड़कर मेम साहब पर गुस्से में फेंक दिए और फिर ताबूत को बंद करके उसी गड्ढे में दफना दिए। फिर अगली सुबह किसी और मेम साहब को मेम साहब के कपड़े पहनाकर उन्हीं की गाड़ी में उन्हें बाहर निकलने के लिए बोला, जिससे सबको लगे कि मेम साहब बाहर जा रही हैं। फिर रात को उसी जगह पर एक डांस पार्टी रखी गई थी जहां पर मेम साहब को गाड़ा गया था। किसी को ये पता ही नहीं चला कि जहां पर वो लोग नाच रहे हैं उस जमीन के नीचे ही सुनैना मेम साहब है। मैंने सोचा कि ऐसा मौका मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। साहब मेम साहब को मारकर बड़े आदमी बन गए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा मैं भी उठा लूं, मैं भी उन्हें ब्लैकमेल करके कुछ पैसे कमा लूं। सुन, तेरे बारे में ना हमें सब पता है, अभी तू अपना मुंह खोलेगा कि खुलवाना पड़ेगा। देखिए मुझे जो कुछ भी पता था मैं आपको बता चुका हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अपनी समझने की कोशिश कीजिए। खुद को होशियार समझता है कि पुलिस को बेवकूफ? सांताराम लेके आ उसको। पहचानता है इसको? तेरा नौकर तुझे ब्लैकमेल करके बड़ा साहब बनना चाहता था, पुलिस के डंडे पड़े ना तो सनासन अपना मुंह खोल दिया।
अभी तो खुद बताएगा कि अरे बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। जब मुझे पता चला कि उन्हें एक बेटे की चाह थी जो उनका पति उन्हें नहीं दे पा रहा था, तो बेटे की चाह में मैंने उसे अपने जाल में फंसा, मैंने उनके पति के साथ उनका रिश्ता भी तोड़वा दिया और अपने प्यार में उन्हें इतना पागल कर दिया कि उन्हें सब कुछ मेरे नाम कर दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे हाथ से सब कुछ निकल रहा है तो मैं घबरा गया कि मैं फिर से रोड पे नहीं आ जाऊं। इसलिए मैंने सारा खेल रचा। खुदाई करो यहाँ पे, और आप लोग देखिए जरा आसपास में, देखिए कुछ मिलता है तो। ये तू, तेरी वजह से मेरी सुनैना जी का यहाँ होगा। सर प्लीज प्लीज लीव हिम सर, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, कानूनी से सजा देगी। इतने सारे नाखून के निशान, इसका मतलब ये जिंदा थी और इसने बचने की पूरी कोशिश की थी। मामा, मम्मी, मामे। जब आज के जमाने में कई बार अपनों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां सुनैना ने अपने बेटे पाने की दीवानगी के चलते एक अनजान आदमी पर आंख मूंद कर भरोसा कर ली। डीएनए रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि वो शव सुनैना का ही है। अनजान सुनैना ने खुद वो गड्ढा खोदते हुए देखा था। उसे क्या पता था कि वो उसी गड्ढे में दफन हो जाएगी। इंदर को सुनैना के खत के इल्जाम में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई और कई साल बाद हाई कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दी। इंदर जैसे लालची और शातिर आदमी ने अपने मतलब के लिए एक हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, और जब उसे लगा कि उसका काम नहीं बन रहा तो उसे जरा भी हिचक नहीं हुई एक जिंदा इंसान को दफन करने में। पैसों की लालच ने उसे एक हैवान बना दिया था और सुनैना का अंधविश्वास उसकी मौत का कारण बन गया। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।